ने ये अपनी कमेटी भी बनाई है और सीजीएम के पास भी जो सील्ड कवर में या लिफाफे में बंद लिफाफे में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी उस पर भी पूरी तत्परता से कार्रवाई करेंगे। वन बाय वन कृपया करके एक बाय एक वन बाय वन मिले हैं उसके बारे में बताइए, जो बताए जा रहे हैं टेलीविजन पे दिखाए जा रहे हैं के बारे में बताइए। जो क्लोथ्स वहां पे कुछ मिले हैं पुलिस अधीक्षक सोनीपत ने उनको कलेक्ट करा लिया है और उनसे ये जांच करने की कोशिश की जा रही है क्या उनके पहनने वालों से कोई इस प्रकार का अपराध हुआ है। अब आप ये बड़ा सेंसिटिव सा इशू है, मैं वो वर्ड्स बोलना नहीं चाहूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी, ये जो क्लोथ्स हैं जब दोनों अधिकारी गए थे उससे पहले मिले हैं उसके बाद मिले हैं, अधिकारी ने बताया था कि कुछ कपड़े हमें खेतों में मिले हैं या नहीं मिले, इसके बारे में सूचना मुझे उन अधिकारियों से बात करने के बाद पता लगेगी क्योंकि लेकिन हमें क्या रिपोर्ट दी सर? अभी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है, मैंने उस रिपोर्ट को नहीं देखा है, लेकिन अधिकारियों से हमारी बात हुई थी तो अधिकारियों ने हमें ये बताया कि ऐसा कोई वारदात की पुष्टि नहीं होती। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि हरियाणा पुलिस हरियाणा सरकार पूरी सेंसिटिव है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे को किसी प्रकार की सूचना इस बारे में देगा तो हम जितनी ज़्यादा तत्परता से कार्रवाई कर सकते हैं उतनी तत्परता से कार्रवाई करेंगे। कई लोग जो हैं मीडिया में आ रहे हैं आई विटनेस बनकर, अभी तक किसी ने आपको कांटेक्ट किया और अभी आपने अब तक क्या किया है, क्या आपने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की है जो आई विटनेस बता रहे हैं अपने आपको? हमारे पास अभी तक किसी भी कंप्लेनेंट ने किसी भी इन्फॉर्मेंट ने पुलिस विभाग को कांटेक्ट नहीं किया और अगर कोई मीडिया में कोई व्यक्ति आता है और मीडिया उनका नाम और कुछ डिटेल्स हमारे से शेयर करते हैं, जिसके लिए मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे से शेयर करें, तब हम उस पर ये सुनिश्चित करेंगे कि उस पर एडिक्वेट इफेक्टिव कार्रवाई हो। एक एनजीओ है हरियाणा ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू से ही इस मामले को उठाता आ रहा है, उनका क्लेम है कि उनके पास विक्टिम भी है आई विटनेस भी है, हाई कोर्ट में भी वो जो है पेश हुए हैं लेकिन उन्होंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया हाई कोर्ट को, क्या हरियाणा पुलिस ने अभी तक उत्सव बैस जो उसके मेंबर हैं उनसे किसी तरीके से आपने कांटेक्ट किया है या कोई भी इन्फो उनसे लेने की अभी तक कोशिश हुई है? आप मेरे को उनका नंबर दे दीजिएगा, हम उनसे अभी कॉन्टेक्ट कर लेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और अगर जो सूचना हमारे को कोई देंगे तो हम उस पे इफेक्टिव कार्रवाई तुरंत करेंगे। देखिए ऐसा है कि जल्दबाजी में नहीं डिक्लेयर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं, नहीं ऐसा जल्दबाजी में डिक्लेयर करने की बात नहीं है, हमने सिर्फ इतना ही कहा है कि अभी तक की जांच से किसी प्रकार की इंसिडेंट की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन मैंने अभी भी जैसे आपसे रिक्वेस्ट की है कि हम कोई भी इंसिडेंट हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो हम उसको पूरी तत्परता से पूरी मेहनत से पूरी सेंसिटिविटी से पूरे कंपैशन से हम उसकी तहकीकात करेंगे। जीरो एफआईआर का प्रोविजन है कि अगर क्राइम कहीं पे हुआ है कोई भी जाके कहीं एफआईआर दर्ज करा सकता है, ऐसे में आपने कोई नेबरिंग स्टेट से कोई आपने कांटेक्ट किया है कहीं पे कोई जीरो एफआईआर दर्ज हुई हो? जहां तक जीरो एफआईआर की बात है तो उसका प्रोसीजर ये है कि जहां पे भी जीरो एफआईआर दर्ज होती है तो वहां का पुलिस स्टेशन कंसर्न पुलिस स्टेशन को अपने आप उसकी इंफॉर्मेशन देता है और ये मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कहना कि अगर किसी के यहाँ भी जीरो एफआईआर कोई दर्ज हुई है तो कृपया करके हमारे पास सूचना भेजें, हम सुनिश्चित करेंगे कि उस पे एडिक्वेट एक्शन हो। इस मामले में कहा ये जा रहा है कि जो कहानी चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि वो जो लेडीज थी उन्होंने पुलिस से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, गलत है सही है मैं नहीं कह रहा हूँ, और उस टाइम पे पुलिस ने उनको ये कहा कि आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए अदरवाइज आपकी बदनामी होगी, ऐसे में आप पुलिस से ही इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि किसी और एजेंसी को या विजिलेंस को या किसी नहीं, मैं इसमें कहना चाहूंगा
कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी पुलिस होती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आप मेरे को किसी भी कंप्लेंट का, किसी भी इन्फॉर्मेंट का इन्फॉर्मेशन दें, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा और मैं चाहूँगा कि आप मेरे को वो इन्फॉर्मेशन दें ताकि हम उस पर इफेक्टिव कार्रवाई कर सकें। मैं आपको सरकार का और पुलिस का स्टैंड इस पर बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ।